तो दोस्तों देखिए, टायर में एक छोटा सा स्क्रू घुस गया है। अगर इसे मैं नहीं बनाऊंगा अभी तो डिलीवरी के समय हो सके तो ये छेद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर पूरी तरह से पंचर हो सकती है और जिससे मुझे काफ़ी मुसीबत का फिर सामना करना पड़ेगा फिर। तो चलिए चलते हैं, अभी ही इसे जाता हूँ बनवा लेता हूँ। सो गाइस, बताओ यार, बाइक मेरा पंचर है और पीछे का ब्रेक भी चेंज करवाना है और यहाँ पे शॉप भी नहीं है, खुला नहीं है। अभी देखते हैं कितनी देरी में शॉप खुलेंगे और उसके बाद मैं अपने बाइक को बनवाता हूँ। जो एमरोन का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वहीं पे बाइक रिपेयरिंग होती है, पर अभी खुली नहीं है। और ठीक, अभी बजे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी लगता है 9 बजे खुलेगी और वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। रिटर्न जाऊँ रूम या फिर अभी वेट कर रहा हूँ, यहाँ वेट करूँगा यहाँ। तो गाइस, सामलोंग के तरफ जाने वाले रोड, हाँ मतलब सामलोंग के इधर एक शॉप मिली जहाँ पे अपने मैं रिपेयर चेंज करा रहा हूँ ब्रेक से। सुबह सुबह ये बहुत जल्दी खुली, बाकी सब अभी खुले नहीं है। सो ये गाइस देखिए, आज मेरा तीसरा दिन है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहला दिन नहीं बनाया, दूसरा दिन भी नहीं बनाया, तो मैं जोमेटो ज्वाइन कर लिया हूँ। कुछ तेल पानी खर्चा निकले इस वजह से 2 दिन काम किया और 2 दिन ऐसे क्या बोले यार, बहुत मेहनत करना पड़ा। और बस 2 दिन में ही जान गया कि भाई कोई सा भी काम करो कि ना बाहर, तो सब में मेहनत हूँ। अभी मतलब ऐसे भी गर्मी का दिन हो गया है और अभी 1 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ। 1 से 3 बजे का मैंने बुक किया है तो गिग्स इसी में मुझे काम करना है, उससे वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और अभी मैंने 3 घंटे 2 घंटे किया है, अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। कल भी मैंने यही टाइम किया था, कल पूरा मेरा शरीर टूट गया था यार। और कल की कमाई भी बताऊँगा, आखिर में बताऊँगा। चलिए पहले अभी पहला ऑर्डर अभी नहीं मिला, पहला ऑर्डर लेते हैं उसके बाद आज जाते हैं। कितना दूर का होगा पता नहीं, लेकिन चलिए जैसा ऑर्डर आता तब बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे आपको। सो गाइस, ये मेरा चौथा ऑर्डर है और अभी आया है न्यूक्लियर मॉल और यहाँ से मुझे चौथा ऑर्डर लेना है जो KFC का है और काफ़ी लेट कर रहा है। डबल ऑर्डर लिए हैं और एक ऑर्डर है, तो ऐप में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि डायरेक्ट मैं सेकंड ऑर्डर में जाऊँ। पहला ऑर्डर मैं रिसीव करूँगा उसके बाद ही सेकंड ऑर्डर पर जाऊँगा। तो अभी भी KFC बहुत लेट कर रहा है, लगभग 20 मिनट हो गए हैं। सेकंड ऑर्डर वाला तो पक्का मुझे कर ही देगा। सो गाइस, जोमेटो का एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं तो जोमेटो आई थिंक आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप लगभग यहाँ पे 3 घंटा काम करेंगे तो आपको लगभग पर डे का 250 रुपये आप निकाल ही सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं काम पढ़ाई के साथ साथ, तो आप जोमेटो कर सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 4 दिन का, काफ़ी अच्छा रहा इसमें। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पार्ट टाइम के लिए जॉब कर रहे हैं, ये जोमेटो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक ही है, क्योंकि और इसमें जब चाहे जब आपको काम करने का मन करेगा तब कीजिए, उस टाइम में आप लॉगिन होइए। आपको क्या गिग बुकिंग करना पड़ता है और वो गिग लगभग 2-2 घंटे का होता है, आपको सुबह शाम दोपहर जब मन करे तब आप कर सकते हैं। और बस यही चीज़ अच्छा लगा, इसलिए मैंने जोमेटो को ज्वाइन किया। तो अभी यार मैं घर आ गया हूँ और मैं पहले दिन का जो अर्निंग में बताऊँ, तो पहला दिन मैं सिर्फ 1 घंटा काम किया था। इसलिए काम किया था 1 घंटा क्योंकि मैं पूरा सिस्टम समझना चाहता था, इसलिए 1 ही घंटा काम किया था। और पहले दिन का अर्निंग थी मेरी 83 रुपीज़ थी और दूसरे दिन 145 रुपीज़ और तीसरे दिन, आज मैं चौथे दिन में वीडियो बना रहा हूँ। तीसरे दिन आई थिंक मैंने लगभग 4 घंटा काम किया था और चौथे दिन का अर्निंग लगभग 200 रुपये हुई थी। तो अब इसी तरह से जोमेटो मैं करूँगा और ब्लॉगिंग साथ में ब्लॉगिंग भी होगी और बहुत सारे काम होंगे। जोमेटो मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि कुछ तेल पानी खर्चा निकल जाए मेरे बाइक का और यहाँ रांची में रहने का, और बाकी बाद मैं जो करता हूँ वो करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आने वाला वीडियो मेरे काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।